इंडियन मीडिया बुक की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के 9 लोग जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, जिनकी वजह से गवर्नमेंट चल रही थी, वो 9 लोग बीजेपी से सपोर्ट हटा लिए हैं और उन लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। कांग्रेस का कहना है अब उसके पास नंबर है, इसलिए कांग्रेस आज मणिपुर के गवर्नर से मिल रही है नंबर साबित करने के लिए। अगर नंबर साबित हो जाता है तो मणिपुर में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी। इसमें से मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो 9 लोग हैं उसमें से 3 लोग जो हैं वो बीजेपी की एमएलए हैं। ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी के एमएलए रूलिंग गवर्नमेंट होते हुए भी आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। 15 जून को कालाबुर्गी में, जो कर्नाटका में, वहाँ पे एक टांडा गांव है, अधिकारियों को पता चला और कि 15 लोगों को वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हुआ है। जब वहाँ डॉक्टर पहुँचे एम्बुलेंस लेकर, तो वहाँ के गांव के लोगों के साथ उनकी बहस हो गई। बहस कुछ ज़्यादा हुई, हाथापाई की बात आ गई। बाद में लोगों ने एम्बुलेंस पे पथराव किया, पुलिस को आना पड़ा और पुलिस वहाँ के लोकल लीडर के साथ पूरे घटनास्थल को काबू में पा लिया और जो लोग पॉजिटिव थे उनको हॉस्पिटल लेके गई इलाज के लिए। संजय झा, जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन थे, सोनिया गांधी ने उनको उस पोस्ट से हटा दिया है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट में कुछ आर्टिकल लिखे थे जो पार्टी को अच्छी नहीं लगी, उसी के माध्यम ये डिसीजन लिया गया। और अभिषेक दत्त और साधना भारती को नेशनल मीडिया पैनल के लिए अप्रूव किया है। चीफ मिनिस्टर ने कारवान सर्विस लॉन्च किया है, जिसके अंदर 4 लोगों की सोने की अरेंजमेंट है, लोगों को बैठ के डिस्कस करने के लिए और सारी फैसिलिटी है। टीवी है, आपको हर सारे, ये रिमोट एरिया में जाएगी, बस आप लेके जा सकते हैं हायर करके, लेकिन ये देखना पड़ेगा ये कितना इकोनॉमिकल है। ये उसी जगह पे सक्सेस हो सकता है जहाँ पे एकदम रिमोट हो और कोई भी होटल ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी बात की जा रही है, इसका पर डे का कॉस्ट देखना पड़ेगा पर पर्सन कितना है। अगर कॉस्ट ज़्यादा होता है और जहाँ पे 3 स्टार या 5 स्टार होटल की फैसिलिटी है सराउंडिंग में, लोग इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे कि होटल बहुत दूर तक नहीं है, उस जगह पे ऐसी सर्विसें सक्सेसफुल हो सकती है। ये सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन अदर कंट्री में, बाहर में जो होता है कि जब आप इस तरह के वैन को लेके जाते हैं तो सीवेज कनेक्शन होता है, वाटर सप्लाई आपको मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलता है। क्या ऐसी सर्विसेज इंडिया में अगर शुरू होती है तो ये सब फैसिलिटी है क्या? हमको नहीं लगता कि कहीं भी ऐसी फैसिलिटी है, तो इसको देखना पड़ेगा ये इनिशिएटिव कितना सक्सेसफुल होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।